माय चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा पैकेट रेसर में सेलुलर टावर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और उससे मोबाइल कैसे कनेक्ट होगा। तो सिस्को पैकेट रेसर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे डिवाइस में और वायरलेस डिवाइसेस के अंदर, इसके अंदर हमें चूज करना है, एक तो हम ले लेते हैं सेल टावर, ठीक है, और एक हमें चाहिए सेंट्रल ऑफिस सर्वर, ठीक है। अब हमें चाहिएगा फोन, तो फोन हम लेंगे, यहाँ से आएगा स्मार्टफोन, ले लेंगे स्मार्टफोन 1, 2, 3, 4, ठीक है। जैसे मैंने स्मार्टफोन कनेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली वो वायरलेस नेटवर्क पकड़ के कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले जाएंगे सर्वर के अंदर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमें आना सेल टावर में, यहाँ हम डाल देंगे 192.168.1.1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और सर्विसेज में आएंगे, DHCP में जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1.100 कहाँ से शुरू करना है आपको, IIT IP एड्रेस जैसे मुझे करना है 50 से शुरू करना है, ठीक है। और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अब आपको आना है फिजिकल में, यहाँ पे एक बार ऑन ऑफ चेक कर लेना, ऑन है क्या, ऑन है, ठीक है। और अब हमारा टावर के ऊपर, टावर को इस सर्वर से हम कैसे कनेक्टेड कराएंगे, जैसे मैंने टावर ले लिया, सेल टावर के अंदर आ गया, ये अभी कोएक्सियल केबल है, तो कोएक्सियल से नहीं, हमें वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है, तो इसका हमें कार्ड हटा देंगे। हम लेंगे यहाँ पे PT सेल 3G 4G मॉडेम, ठीक है, 3G 4G ले लिया, यहाँ पे मॉडेम मॉड्यूल ले लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ पे आप सेलुलर में आके देख सकते हो वेज क्या है इसका, 1000 मीटर तक है, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो देखोगे आप, तो ये इस सर्वर से ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया है ना। अब इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि हमारा ये टावर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं एक बार फोन थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे चेक करेंगे इनका क्या IP एड्रेस मिला है इसको, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे कर्सर देखेंगे, इसको IP मिला है 3G 4G में 192.168.1.50 इशू है, ये 1.51 है, ये 1.52 है, ये 1.53 है, ठीक है। और हमारे सर्वर का क्या था, 192.168.1.1, और इसका काम सिर्फ होता है सिग्नल को रिसीव करके 3G 4G मॉडेम के थ्रू आगे ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये पैकेट रेसर का हम इस तरीके से कनेक्टिविटी कराते हैं, और चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। यहाँ पे गए पैकेट में गए, ये देखिए सक्सेसफुल हो रहा है। अब मोबाइल टू मोबाइल चेक करते हैं एक बार, ये देखिए इसका मतलब सारे मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, ये देखिए सब कुछ सक्सेसफुल आ रहा है। हम इसमें भी जाके चेक करते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखिए पैकेट ट्रांसफर होना शुरू हो गए, ये देखिए आगे, ये देखिए सारे पैकेट ट्रांसफर करेगा, ये मैं मार्विन सपोर्ट डिलीट कर देता हूँ, नया पैकेट लेता हूँ। जैसे मुझे इस फोन की कनेक्टिविटी चेक करनी है, अब देखते हैं, ये पैकेट यहाँ से गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आके चेक करेगा,
देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है। तो इस तरीके से हम पैकेट रेसर में सेल टावर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।